हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मनोज विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 हम सॉल्व कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में क्या कराया था, क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करा दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से जो बाकी जो क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया स्टूडेंट, वहाँ से कोई वीडियो पर इजिली जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और स्टूडेंट, ये जो हमारा रिंग लाइट का पहला वीडियो है, तो वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो क्वालिटी अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पहले से, ठीक है। तो कमेंट करिएगा जरूर। तो आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया है कि प्रूव दैट 10 8x माइनस 10 6x माइनस 10 2x इज इक्वल टू 8x इंटू 10 6x इंटू 10 2x। ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। तो जब भी देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे, याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में 10a + b का फॉर्मूला यूज होता है, a + b का फॉर्मूला यूज होता है। हम क्या करते हैं, इसमें देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 8x है ना। तो 8x को हम ब्रेक करेंगे 6x + 2x में, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें जब प्रूव करना है उसमें 6x और 2x दिया है। तो ये टेक्निक है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 8x को हम क्या करेंगे, 10 8x को हम लिख सकते हैं 10 6x + 2x। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम क्या करेंगे, a + b के फॉर्मूला को ब्रेक कर देंगे, इजिली आपका ये प्रूफ हो जाएगा स्टेटमेंट। याद रखिएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा तो देखिएगा सबसे बड़ा एंगल कौन सा है और उसी एंगल को ब्रेक करिएगा जो स्टेटमेंट आपको प्रूफ करना है। जैसे यहाँ पे 6 और 2 हमें लेना है, 6x और 2x लेना है, तो 8x को हम उसी तरह में ब्रेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ब्रेक करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10a + b का फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो ये 10a + b इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10a + b इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताया था सारा, 10a + 10b डिवाइडेड बाई 1 - 10a × 10b। बात समझ में आ रहा है, ये होता है फॉर्मूला 10a + b का, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे इसको क्या करिए, ब्रेक करिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 6x + 10 2x डिवाइडेड बाई 1 - 10 6x × 10 2x। बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। इधर क्या चल रहा है आपका, 10 8x चल रहा है, 10 8x को ही तो ब्रेक किए हैं। अब क्या किए है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन कराइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x 10 8x मल्टीप्लाई बाई 1 - 10 6x इंटू 10 2x इज इक्वल टू 10 6x + 10 2x। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। इसमें 1 मल्टीप्लाई करेगा तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए, 8x को अंदर मल्टीप्लीकेशन करिए, तो ये क्या आ जाएगा 10 8x, इसे मल्टीप्लाई करेगा तो इसे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 10 8x इंटू 10 6x इंटू 10 2x इज इक्वल टू 10 6x + 10 2x। बात समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। इधर देखिए, इधर ये प्लस में है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 8x, ठीक है, इधर ये प्लस में है, इधर ये क्या है आपका, इधर ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, -6x - 10 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 8x इंटू 10 6x इंटू 10 2x। यही तो स्टेटमेंट हम प्रूफ करना था। देखिए 10 8x - 10 6x - 10 2x इज इक्वल टू 10 8x + 10 6x × 10 2x। ये हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना था और आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प मिल सके स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कंसेप्ट बस एक कंसेप्ट है, बस उसको याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन प्रूफ करने के आए तो देखिएगा सबसे बड़ा एंगल क्या है, उसी को क्या करिएगा 10a + b के फॉर्म में ब्रेक करिएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है कि 10π/12 10π/6 10π/12 इंटू 10π/6 इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये जो होता है π/12 मतलब क्या होता है, 15 डिग्री। π/12 मतलब कितना होता है, 50 डिग्री, आपको तो पता ही है, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व भी किए हैं। तो π/12 मतलब क्या होता है, 15 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आएगा। और π/6 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट,
पाई बाई सिक्स का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। कितना होता है पाई बाई सिक्स का मतलब 30 डिग्री होता है, बात समझ में आ रहा है, ये होता है। तो अब देखिए हमें ब्रेक करना है इसे, इस तरीके से ब्रेक करना है कि 30 और 15 इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि वो आना चाहिए, मतलब 15 डिग्री का भी आना चाहिए और 30 का भी एंगल उसमें आना चाहिए। तो कैसे आएगा वो, कैसे आएगा बताइए। अगर हम इसको हम ब्रेक करें 10 30 प्लस 15, तो कितना होता है 45 होता है, होता है ना, होता है कि नहीं होता है। 10 30 प्लस 15, 10 45, और 10 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बात समझ में आ रहा है। तो 10 30 और 10 45 के फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे इसे। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 10 RHS साइड को हम ले लें यहाँ पे, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS अगर ले लें हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 45 इज इक्वल टू 1 होता है, होता है कि नहीं है, यही तो होता है 10 45 इज इक्वल टू 1। तो 10 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको 10 a + b के फॉर्मूला में ब्रेक कर दीजिए, तो ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा 10 30 प्लस 10 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - 10 30 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है। इधर कितना चल रहा है आपका, इधर आपका 10 45 चल रहा है, चल रहा है ना, 10 45 इधर चल रहा है, इसको तो ब्रेक किया, इधर ही चल रहा है। अब देखिए, अब की देखिए यहाँ से, ध्यान से देखिए, अब क्या आ जाएगा, इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 45 इंटू 1 - 10 30 इंटू 10 15 इज इक्वल टू, इधर कितना आ जाएगा 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री, बस समझ में आ रहा है, थोड़ा डिग्री में आसान होता है इसलिए मैं डिग्री में इसको कन्वर्ट कर दिया हूँ। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर सिंपली 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आ जाएगा सिंपली क्या आ जाएगा 1 - 10 15 इज इक्वल टू 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री, बस समझ में आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, इधर 1 चाहिए, इसको क्या करिए, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको क्या करिए उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं इन सबको, बस इधर 1 आ जाएगा, ये स्टेटमेंट हमें ले आना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू उसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा 10 30 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री प्लस 10 30 इंटू 10 15, ठीक है। अब इसको ये आपका आ गया, इसी को हमें प्रूफ करना है, बस अब क्या करिए इसको रेडियन में लिख दीजिए, चाहिए तो 10 30 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 10 30 को हम क्या लिख सकते हैं 10 π/6, 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं 10 π/12 प्लस 10 π/6 इंटू 10 π/12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये तो हम प्रूफ करना है, तो हेंस प्रूफ, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक सिमिलर क्वेश्चन जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसका सिमिलर है, उसमें क्या दिया है 10 36 प्लस 10 9 प्लस 10 36 इंटू 10 9 इज इक्वल टू 1, तो आप क्या करिएगा, आप उसको ब्रेक करिएगा, 10 36 बोल रहा है ना, 10 36 प्लस 9 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं 10 45 को लिख सकते हैं क्या, 10 45 को इस तरीके से बोल रहा है 10 45, ये बोल रहा है 10 45 को हम क्या लिख सकते हैं 10 36 प्लस 9, ये थर्ड क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये दिया है 10 45 को 10 36 प्लस 10 9 लिख सकते हैं। अब इसको a + b के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो वो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, 17 का थर्ड। और 17 का जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है आपका 10 13x + 9x - 9x - 4x = 10 13x × 10 9 + × 10 4, ये ठीक जो क्वेश्चन नंबर मैंने 1 कराया है, 17 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, ठीक उसी तरीके से 10 क्या करिएगा उसको, इसको स्टूडेंट आप 13x को आप ब्रेक कर दीजिएगा, 10 13x को क्या ब्रेक कर दीजिएगा 10 9x + 4x के फॉर्म में ब्रेक करके, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया 17 का फर्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ उसका,
फोर्थ का, यहाँ पे 10 13 को आप क्या करिएगा, 10 13 एक्स को ब्रेक कर लीजिएगा, 10 9x प्लस 4x। अब 10a + b का फॉर्मूला लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने सॉल्व किया 17 का। तो स्टूडेंट में सारा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, तो सिमिलर क्वेश्चन तो आप ट्राई कर सकते हैं, जो डिफरेंट रहता है मैं उसको क्या करूँगा सॉल्व कर दूंगा। तो इतना काम थोड़ा सा आप खुद से भी ट्राई करेंगे तभी मैं समझ में आएगा, मैं तो सारा सॉल्व कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से ट्राई करिए। जहां भी कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या कमेंट कर देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे आपका डाउट क्लियर करा दूंगा, इतना मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो जहां ना समझ में आए कमेंट जरूर कर लीजिएगा, 100% का रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि प्रूव दैट 10^2x - 10^2x डिवाइडेड बाई 1 - 10^2x इंटू 10^2x इज इक्वल टू 10^3x इंटू 10x। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, RHS साइड को लेंगे और LHS प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो क्या करिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे टेकिंग RHS में क्या दिया हमें, 10^3x इंटू 10x, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हमें क्या प्रूफ करना है, 2x इंटू एक्स के फॉर्म में हमें ले आना है LHS टाइम को। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10^3x को हम लिख सकते हैं 10^2x - x लिख सकते हैं, क्या 10^3x को, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू, और 10x को क्या लिख सकते हैं हम 2x - x। क्यों, क्योंकि हमें एंगल 2x और x के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 10^2x - x 10a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है 10a क्या है यहाँ पे 2x माइनस 10b क्या यहाँ पे x है, तो 10x डिवाइडेड बाई 1 + 10a 2x इंटू बी होता है, तो 10b ये आ गया x, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक कोष्टक में, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10^2x - 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा, 2x + x करेंगे तभी तो 3x आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 2x + x यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। 10a + b के फॉर्म में ब्रेक करेंगे ना, यहाँ पे 2x में से x घटाएंगे तब तो x आएगा, ठीक है। अब सही हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इंटू 10x। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए, अब कुछ फार्मूला, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ फार्मूला आपको दिख रहा है, यहाँ से कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ देखिए, अगर 10a - b इंटू a + b होता है तो क्या आता है, a² - b² ये तो आता है फॉर्मूला। तो इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, इधर ये a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो a + b a - b ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 10^2x - 10^2x, ठीक नीचे भी उसी तरीके से बन रहा है, a - b ये पूरा b हो गया, a + b ये पूरा भी हो गया, तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 2x इंटू 10x का स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ से, तो ये 10^2x - 10^2x माइनस 10^2x डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब ये स्क्वायर ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार 10^2x हो जाएगा इंटू 10^2x हो जाएगा, ये क्या आपका आ गया, LHS आ गया, तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, तो हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्या करेंगे स्टूडेंट, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो अच्छा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी एक्सरसाइज सॉल्व कर समय हेल्प मिल सके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके क्या करिए, नोट कर लीजिए पहले स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नया कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाला है, कंपेंडो डिबेंडो लगना है, ठीक है। कंपेंडो डिबेंडो का नाम सुने होंगे, उसको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए कंपेंडो एंड डिबेंडो, ठीक है, ये होता है, इसका क्या होता है, इसका ये क्या होता है, इसको बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पे न्यूमरेटर
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर दिया है और इसकी वैल्यू क्या दिया है, ए अपॉन बी दिया है। इस तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर इज इक्वल टू ए अपॉन बी दिया है। तो कंपाउंडो डिवेंडो ये बोलता है स्टूडेंट कि एक बार ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर होगा और नीचे क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर और इधर भी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस माइनस डिनोमेटर। तो डिनोमेटर क्या है, बी है। यही होता है कंपाउंडो डिवेंडो, ठीक है। एक बार ऊपर क्या होगा, अगर अप्लाई करेंगे कंपाउंडो डिवेंडो तो क्या होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर। आरएचएस साइड भी वही काम होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कंपाउंडो डिवेंडो। और इस तरीके से हम जब सम करते हैं तो कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं आता है, इस पे कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर इज इक्वल टू ए अपॉन बी ही आ जाएगा। तो कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, हमारे रिजल्ट पे। यही आपका क्या होता है, कंपाउंडो डिवेंडो। बस आपको यही याद रखना है कि अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो जब कंपाउंडो डिवेंडो अप्लाई करेंगे इसमें, जब अप्लाई करेंगे कंपाउंडो डिवेंडो तो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर इज इक्वल टू आर एच एस साइड वही जो दिया रहता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर होता है। यही क्या होता है, कंपाउंडो डिवेंडो होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए ये कब अप्लाई करते हैं हमें, देखिए यहाँ पे ए अपन बी प्रूफ करना है कि ए अपन बी होगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कट पिट के बस ए अपन बी आ जा रहा है, तब हम इसको कंपाउंडो डिवेंडो अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने टेक्निक बता दिया कब अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेंगे अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको, देखिए पहले गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा दिया है कि साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। ये हमें क्या दिया है, गिवन डाटा दिया गया है, ठीक है, बात समझ में आ रहा। अब देखिए हमें इसमें कंपाउंडो डिवेंडो लगाकर हम क्या लेंगे, आर एच एस साइड को अगर ले आ देंगे तो हमारा एल एच एस साइड भी 10x अपॉन 10y आ जाएगा। तो देखिए इसमें अप्लाई करिए, इसमें क्या करिए, अप्लाई कंपाउंडो डिवेंडो। तो कंपाउंडो डिवेंडो क्या बोलता है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई क्या है आपका न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमेटर। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर, डिनोमेटर क्या है आपका साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर। तो न्यूमरेटर क्या है आपका यहाँ पे साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस डिनोमेटर, तो साइन एक्स माइनस वाई। उसी तरीके से इधर भी होगा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है आपका ए प्लस बी है प्लस डिनोमेटर ए माइनस बी डिवाइडेड बाई इधर भी क्या आ जाएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर। तो माइनस डिनोमेटर के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस ए आएगा और ये माइनस अंदर इंटू करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करिए, इसको देखिए यहाँ पर क्या आ गया, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू इधर क्या आ गया। देखिए इधर ये बी से बी कैंसिल आउट, इधर ये ए से ए कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर टू ए बच गया डिवाइडेड बाई टू बी बच गया। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, टू से टू काट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका ए अपॉन बी आ जाएगा। तो हमें आर एच एस साइड तो आ गया ए अपॉन बी। अब इसे सॉल्व करके हमें क्या लेना है, टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन वाई लेना है। वासन मैर तो क्या करिए, कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है, साइन एक्स ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करना है, इसे साइन ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक करना है और देखेंगे खुद आपका कट पिट जाएगा आ जाएगा। तो करते हैं, तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ऊपर वाले स्टेटमेंट में इरेज करता हूँ थोड़ा सा। तो इसको क्या करिए, पहले नोट कर लीजिए वीडियो पोस्ट करके, ओके। तो मैं ये वाला स्टेटमेंट आपको इरेज करता हूँ, समझ में आ रहा होगा आई होप की, ठीक है। तो देखिए इसे ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करिए, साइन ए प्लस बी के, ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, फिर साइन ए माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक करिए तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई, इधर भी क्या होगा ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक होगा तो इधर भी क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ ये साइन एक्स माइनस वाई, मतलब ए माइनस बी के ब्रेक करिए तो ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू
साइन वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका ए अपॉन बी दिया, ए अपॉन बी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं और इरेज करता हूँ नीचे, तो इसको नोट कर लिए होंगे आई होप की, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए अब क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट से ये वाला से ये वाला कट गया, समझ में आ गया। ऊपर क्या बच गया, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए क्या आ रहा है, नीचे भी कुछ कटे पिटेगा अभी, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसको अंदर भेजिए तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट से ये वाला स्टेटमेंट पूरा कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए क्या बचा, अब ऊपर क्या बचा आपका, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई डिवाइडेड बाई, ये एक और ये एक दो हो जाएगा, तो टू कॉस एक इंटू साइन वाई। बात समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या बच गया, ये देखिए यहाँ से टू कैंसिल आउट, इधर आपका ए अपॉन बी बचा। अब देखिए साइन एक्स अपॉन अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पे देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है। दिस इम्प्लाई डेट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स इंटू इंटू में है, कॉस एक्स अपॉन साइन वाई कॉट वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। बात समझ आ रहा है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा टेन एक्स अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि वन अपॉन कॉट कॉट वाई इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन वाई। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ होता है, तो हैंस प्रूफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कहाँ से कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ही आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको टिक कर लीजिएगा, ये आएगा एग्जाम में 100%, ठीक है। चार नंबर क्लियर हो गया, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी कंपेंडो डिपेंडो लगाना है, तो वो भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 के दिए हुए, क्वेश्चन 20 ये दिया है कि इफ 10a इज इक्वल टू एक्स इंटू 10b, ठीक है, प्रूव डैट साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। बात समझ में आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे, हमें गिवन देखिए, गिवन डाटा क्या दिया है, गिवन हमें ये दिया है कि 10a इज इक्वल टू एक्स 10b, इसको हम इसको इधर ले आते हैं 10b को, तो 10a अपॉन 10b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x अपॉन वन, कुछ नहीं है तो क्या नीचे वन है, x अपॉन वन। तो जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे आपको, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपने कंसेप्ट पढ़ा था कंपेंडो डिवेंडो, अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया था, तो वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अगर कंपेंडो डिवेंडो अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर, ठीक है, या अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर कर सकते हैं और नीचे न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर भी कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर न्यूमरेटर डिनोमेटर में क्या है, वन है, और हमें क्या लेना है, माइनस वन ले आना है, तो हम ऊपर पहले क्या लेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करिए, अप्लाई कंपेंडो डिवेंडो, ठीक है, ये अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमेटर, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 10a है और डिनोमेटर क्या है 10b है, तो माइनस 10b हो जाएगा डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमेटर, ठीक है, ये आ जाएगा LHS साइड, ये बन गया। यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूमरेटर x है, डिनोमेटर क्या है 1 है, तो x माइनस 1 और डिनोमेटर में क्या है 1 है, तो x प्लस 1। देखिए RHS साइड आपका बन गया, इसीलिए हम लगा रहे हैं। अब LHS साइड को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। बात समझ में आ गया, तो इसीलिए कंपेंडो डिवेंडो लगाते हैं स्टूडेंट। अब इसे क्या करिए, 10a को साइन a अपॉन कॉस a के फॉर्म में ब्रेक करिए और 10b को क्या करिए, साइन b अपॉन कॉस b के फॉर्म में करिए, उसके बाद से सिंप्लीफिकेशन करना है, करिए। तो 10a को क्या लिख सकते हैं हम, साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन b अपॉन कॉस b डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन b अपॉन कॉस b,
इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इसको छूना ही नहीं है भाई साहब, हमें आरएचएस मिल गया, उसे छुएंगे नहीं हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा स्टूडेंट कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई, नीचे यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दिख रहा है, दिख रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी, अब दिखेगा स्टूडेंट, रिंग लाइट आ गया ना, दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन ए इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा था, ठीक है, प्लस है तो प्लस होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन बी इंटू कॉस ए, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये नीचे फ्रैक्शन में ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, पलट जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये कॉस बी इंटू कॉस ए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका, बचेगा क्या यहाँ पे, इधर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन चल रहा है ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है। अब क्या देखिए, ऊपर देखिए क्या बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, इज इक्वल टू आर एच एस में तो आपका वही है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है स्टेटमेंट। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंपेंडो डिपेंडो वाला कंसेप्ट, और ये भी क्वेश्चन टॉप लेवल का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका एग्जामिनेशन में आएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ओके। तो आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 पे, तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स दिया हो एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू वाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 2x इन एंड 2b, 10 2b का वैल्यू बताना है, मतलब 10 2x सॉरी 10 2a और 10 2b का वैल्यू बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें गिवन क्या डाटा दिया है उसे पहले देखते हैं। हमें गिवन ये दिया है कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स दिया है एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू वाई दिया है, बात समझ में आ रहा है, ये दिया है। अब हमें क्या बताना है, 2x की 2a की वैल्यू बतानी है, सॉरी x हो गया यहाँ पे, 2a की वैल्यू बतानी है और 2b की वैल्यू बतानी है। 2a हम कैसे 2a बना ले, जो गिवन डाटा दिया है इससे हम कैसे 10 2a बना लेते। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके से हम लिखते हैं एक बार 10a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी, अब प्लस कर देते हैं इसके साथ 10a माइनस बी को, ठीक है, 10a प्लस बी प्लस 10a माइनस बी को, अगर इसको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, ये कट पिट के क्या आ जाएगा, 10 2a आ जाएगा। देखिए b से b कटेगा, ये a और a 2a आ जाएगा, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका करेगा एक सिंगल एंगल का काम करेगा, मान लीजिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम अगर थीटा मान लेते हैं और इसे हम क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, तो ये आपका पर्टिकुलर एंगल जो क्या होगा, एक थीटा हो जाएगा और एक ये फाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका क्या बन गया, यहाँ पे मैं समझने के लिए लिख देता हूँ 10 थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब यहाँ से 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, बात समझ आ रहा है, तो यहाँ से क्या करिए 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10a प्लस बी, मतलब 10 थीटा प्लस फाई का, तो 10 थीटा आएगा पहले, और थीटा के जब क्या है a प्लस बी है, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, प्लस है तो प्लस आएगा, उसके बाद से 10 फाई आता है, मतलब 10 फाई, तो 10 फाई की जगह पे क्या माने आप a माइनस बी माने, तो a माइनस बी आएगा पूरा, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 10 थीटा, थीटा के जगह पे क्या है a प्लस बी है, तो a प्लस बी आएगा, इंटू 10 फाई आएगा, फाई की जगह पे क्या है a माइनस बी है, बस समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम कंसिडर करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आपको ये सारे वैल्यू दिया गया है, बस पुट करने के देरी है, जब पुट करेंगे तो 10a प्लस बी के वैल्यू कितने दिए, x दिया गया, तो यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस 10a माइनस बी के वैल्यू कितने दिए, y दिए, इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही आ गया आपका 10 2a इज इक्वल टू, ये आ गया, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट भी कर दीजिए कैसा लगा वीडियो, ठीक है, जब समझ में आ गया तो।
आगे बढ़ते हैं, 10 2b को भी देखते हैं क्या है, 10 2b कैसे निकालते हैं। इसे नोट कर लीजिए पहले, मैं थोड़ा सीरियस करता हूँ इसे। तो स्टूडेंट लाइक करिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब कर दीजिएगा। आगे देखते हैं 10 2b का, 10 2b। अब हमें क्या बनाना है, 10 2b बनाना है। क्या बनाना है, 10 2b। जैसे 10a बनाया ना उसी तरीके से 10 2b बनाएंगे, तो 10 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 2b बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2b बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दिमाग लगाइए। या तो a प्लस बी कर दीजिए और माइनस a माइनस बी कर दीजिए, ठीक है। एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10a प्लस बी माइनस 10a माइनस बी, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि माइनस ही जाएगा तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, तो प्लस बी प्लस बी 2b हो जाएगा और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे लगाते हैं, अब समझ में आ गया ये कैसे आ गया 2b, इसी तरीके से ये ले गए। अब इसको क्या मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। तो टेन थीटा माइनस फाई क्या होगा, ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, 10 ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, ए प्लस बी, माइनस है तो माइनस आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 10 फाई की जगह पे क्या है, ए माइनस बी है। बात समझ में आ रहा है कैसे, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस आता है, माइनस होता है यहाँ प्लस आता है, उसके बाद से क्या आएगा, 10 थीटा, तो ए प्लस बी इंटू 10 a माइनस बी। बात समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए सबका, सबका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये क्या आ गया आपका, ये 10 2b का वैल्यू आ गया। कितना का वैल्यू आ गया, 10 2b का वैल्यू आ गया, ओके। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टूडेंट फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये रिंग लाइट की सबसे पहली वीडियो है, तो कॉमेंट कीजिए बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसा है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।